वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है? नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम में अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे आज? वेंट्रिकल्स पे। लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या पढ़ा था कि वेंट्रिकल्स कौन से होते हैं, और आज अपन क्या पढ़ेंगे? वेंट्रिकल्स पे अपन आज डिस्कस करेंगे। तो वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड CSF विद इन द ब्रेन देर आर फोर इरेगुलर शेप कैविटीज और वेंट्रिकल्स। क्या है जो अपनी ब्रेन है उसके अंदर क्या है? चार इरेगुलर टाइप के क्या है, इरेगुलर शेप के क्या है, कैविटीज प्रेजेंट होती हैं और वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। कंटेनिंग सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड किसके साथ कनेक्ट रहते हैं? CSF के साथ जो है वो कनेक्टिंग रहते हैं। सबसे पहले कौन सा है? राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल। तो राइट लेटरल वेंट्रिकल हो गया और लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल हो गया और फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। ये क्या है? अपने चार वेंट्रिकल हैं। तो ब्रेन जो है उसके अंदर क्या है? चार इरेगुलर साइप की इरेगुलर शेप की और क्या मिलती हैं? केविटीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो केविटीज हैं वो किसके साथ कनेक्टिंग रहती हैं? जो अपना CSF है उसके साथ क्या है वो कनेक्टिंग रहती हैं। कौन सी है वो? राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है और फोर्थ वेंट्रिकल है। ये अपने चार वेंट्रिकल होते हैं। नेक्स्ट है लेटरल वेंट्रिकल्स। तो सबसे पहले क्या है अपना? लेटरल वेंट्रिकल की बात करते हैं। तो लेटरल वेंट्रिकल के अंदर क्या होता है? द लेटरल वेंट्रिकल दीज कैविटीज लाइज इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर वन ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन प्लेन जस्ट बिलो द कॉर्पस कॉलोजम। तो लेटरल वेंट्रिकल कहाँ पे होता है? दीज कैविटीज लाइज विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। ठीक है, ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन प्लेन। कहाँ पे? प्रत्येक साइड में। किसके? मीडियन प्लेन के। और जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम। और जस्ट बिलो यानी किसके रहता है? कार्पस कोलोजम के। तो लेटरल वेंट्रिकल है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, क्या पोजिशन उसकी? दीज कैविटीज लाइज विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेरेब्रल हेमिस्फेयर में क्या है? प्रेजेंट होता है वन ऑन ईच साइड ऑफ द मीडियन प्लेन। ठीक है, प्रत्येक जो साइड है उसकी तरफ एक जो है वो अपना प्रेजेंट रहता है जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम। और पोजीशन क्या है इसकी? जो अपना कार्पस कोलोजम है उसके जस्ट बिलो में रहता है। नेक्स्ट है अपना दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द थिन मेम्ब्रेन। ये सेपरेट किसके द्वारा होता है? थिन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है? सेपरेटेड रहता है। द सेप्टम लिक्विडम एंड आर लाइन विद द सीलेटेड एपिथेलियम। सेप्टम जो है वो किससे लाइन होती है? विद द सीलेटेड एपिथेलियम से। क्या इसकी जो सेप्टम है वो लाइन होती है। दे कम्युनिकेटिव विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना। ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कैसे कम्युनिकेट रहता है? इंट्रावर्टिबल फोरामिना की हेल्प के द्वारा। क्या है? किसके द्वारा क्या है? ये थर्ड वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट रहता है या कम्युनिकेट रहता है। तो लेटरल वेंट्रिकल की अगर अपन बात करें तो लेटरल वेंट्रिकल में क्या होता है? द लेटरल वेंट्रिकल दीज कैविटीज लाइज विद इन द सेरेब्रल हेमिस्फेयर। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेरेब्रल हेमिस्फेयर जो है वहां पे प्रेजेंट होता है ऑन वन ईच साइड ऑफ द मीडियल प्लेन
जो मिडिल प्लेन है उसकी क्या है, दोनों साइड में रहता है, जस्ट बिलो द कार्पस कोलोजम, जो कार्पस कोलोजम उसके जस्ट बिलो में रहता है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय ए थिन मेम्ब्रेन, क्या है, थिन मेम्ब्रेन के द्वारा क्या है ये सेपरेट होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सेप्टल लुकिडम बोलते हैं, ठीक है। सेप्टल लुकिडम है वो किसके द्वारा, किससे लाइन लाइन होती है, सीलेटेड एपिथीलियम से क्या है वो लाइन होती है। द कम्युनिकेटिव विद द थर्ड वेंट्रिकल बाय द इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना, किसके द्वारा ये कम्युनिकेट रहता है, जो थर्ड वेंट्रिकल है उसके साथ, किसके साथ, किसकी हेल्प से रहता है, इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामिना की हेल्प से क्या है ये उसे कम्युनिकेट रहता है। नेक्स्ट स्टेप ना थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल में क्या होता है, द थर्ड वेंट्रिकल इज ए केविटी सिचुएटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल बिटवीन द टू पार्ट ऑफ द थैलेमस। जो थर्ड वेंट्रिकल है वो क्या है, एक केविटी होती है, थर्ड वेंट्रिकल इज ए केविटी सिचुएटेड कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, सिचुएटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल, जो लेटरल वेंट्रिकल है उसके बिलो में, बिटवीन द टू पार्ट ऑफ द थैलेमस, जो थैलेमस के दो दो पार्ट है उनके बीच के अंदर क्या है ये प्रेजेंट रहती है। इट कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाई ए कैनाल, ये जो फोर्थ वेंट्रिकल है उसके साथ कैसे कम्युनिकेट होती है, जो कैनाल के थ्रू क्या है ये, जो अपना फोर्थ वेंट्रिकल है उसके साथ कम्युनिकेट रहती है, उसके साथ कनेक्टेड रहती है। द सेरिब्रल एडिक एक्विडेंट दैट और एट ऑफ द मिड ब्रेन, तो अपन थर्ड वेंट्रिकल की बात करें तो थर्ड वेंट्रिकल में क्या होता है, द थर्ड वेंट्रिकल इज ए केविटी, थर्ड वेंट्रिकल क्या है, केविटी होती है सिचुएटेड बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स, कहां पे रहती है, लेटरल वेंट्रिकल के बिलो में रहती है, बिटवीन द टू पार्ट ऑफ द थैलेमस, जो थैलेमस के जो दो पार्ट है उनके बीच के अंदर। इट कम्युनिकेट विद द फोर्थ वेंट्रिकल बाई कैनाल, ये कम्युनिकेट किसके साथ करती है, फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। बाई कैनाल द सेरिब्रल एडजेंट और मिड ब्रेन, नेक्स्ट अपना क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल, तो जो लास्ट वेंट्रिकल है उसमें क्या है, द फोर्थ वेंट्रिकल इज ए डायमंड शेप केविटी, जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो क्या है, डायमंड शेप की केविटी होती है, सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल, कहां पे प्रेजेंट रहता है, बिलो एंड बिहाइंड नीति द थर्ड वेंट्रिकल, बिटवीन द सेरेबेलम एंड पॉन्स,
पॉन्स और सेरेबेलम के बीच के अंदर क्या है, प्रेजेंट रहता है। तो जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो क्या है, डायमंड शेप की क्या है, कैविटी है, जो क्या कहां पे सिचुएटेड रहती है, बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, बिटवीन द सेरिबेलम एंड पॉन्स, और दोनों किस चीज के बीच में रहती है, सेरिबेलम और पॉन्स के बीच में। इट इज कंटिन्यूस बिलो बिलो विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये कंटिन्यूस बिलो कहां पे रहती है, सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड पे, एंड कम्युनिकेट विद द सुप्रा अर्कनोइड स्पेस बाय फोरामिना इन इट्स रूफ। जो CSF है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड है, वो कहां से एंटर होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूड एंटर द सुप्रार्कनोइड स्पेस थ्रू दीज ओपनिंग एंड थ्रू द ओपन डिस्टल एंड ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो जो CSF है वो कहां से एंटर होता है, जब अपना सुप्रार्कनोइड स्पेस है वो क्या है, ओपन होता है, तो वहां से क्या है, वो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि वहां उसकी एंट्रिंग पॉइंट ये होती है। जो फोर्थ वेंट्रिकल है, वो फोर्थ वेंट्रिकल क्या है, डायमंड शेप की कैविटी है, ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड रहती है, सिचुएटेड बिलो एंड बिहाइंड द थर्ड वेंट्रिकल बिटवीन द सेरिबेलम एंड पॉन्स। इट इज कंटिन्यूस बिलो विद द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड कम्युनिकेट विद द सुप्रा अर्कनोइड स्पेस बाय ए फोरमिना। CSF फ्लूड एंटर द सुप्रा अर्कनोइड स्पेस थ्रू दीज ओपनिंग एंड थ्रू द ओपनिंग ओपन डिस्टल एंड ऑफ द सेंट्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट जो है वो क्या है, पोजीशन दिखाई गई है किसकी, वेंट्रिकल्स की, ठीक है, द पोजीशन ऑफ द वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन, जो अपने ब्रेन जो है उसके अंदर जो वेंट्रिकल्स प्रेजेंट रहते हैं उनकी क्या है, पोजीशन दिखाई गई है लेफ्ट साइड से। लेटरल वेंट्रिकल है ये थर्ड वेंट्रिकल है, और ये अपना क्या है, फोर्थ वेंट्रिकल है। लेटरल वेंट्रिकल हो गया, थर्ड वेंट्रिकल हो गया, और अपना क्या हो गया, फोर्थ वेंट्रिकल हो गया। ये क्या है अपने, तीनों के तीनों वेंट्रिकल हो गए। जो लेटरल है वो लेफ्ट और राइट होता है, दो होते हैं इसके, थर्ड हो गया थर्ड नंबर का और फोर्थ हो गया फोर्थ नंबर का, तो ऐसे करके क्या है ये, चार वेंट्रिकल होते हैं।
नेक्स्ट अपना CSF, CSF फ्लूड इज सिक्रेटेड इन टू ईच वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन बाई ऑर्कोइड फ्लेक्सिस। तो CSF जो है वो कहां से सिक्रेट होता है? वेंट्रिकल से, ठीक है, वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन के जो वेंट्रिकल्स है अपने, कौन से लेटरल थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल्स है, उनसे क्या है कि CSF सिक्रेट होता है। दीज आर वेस्कुलर एरिया वेयर देर इज ए पोलिफिरेशन ऑफ ब्लड वेसल सराउंडिंग बाई ए एपिडिडाइमल सेल इन द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल वॉल। दीज आर वेस्कुलर एरिया, ये क्या है? वेस्कुलर एरिया होता है वेयर देर इज ए प्रोलिफिकेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या है? ब्लड वेसल्स का प्रोलिफिकेशन होता है सराउंडिंग बाई एपिडिडाइमल सेल, किसके तरफ? चारों तरफ से एपिडिडाइमल सेल से, इन द लाइनिंग ऑफ द वेंट्रिकल वॉल। और चारों तरफ क्या रहता है? वेंट्रिकल वॉल की लाइनिंग रहती है। CSF पास बैक इनटू द ब्लड थ्रू टिनी डायवेंट्रिकुला ऑफ आर्कनोइड मैटर कॉल्ड आर्कनोइड विलाई दैट प्रोजेक्ट इनटू द वेनस साइनस। CSF है वो क्या होता है? पास बैक इनटू द ब्लड थ्रू ए टिनी डायवेंट्रिकुला, किसके द्वारा होता है? छोटी छोटी डायवेंट्रिकुला के द्वारा होता है ऑफ आर्कनोइड मैटर दैट इज कॉल्ड आर्कनोइड विलाई, जिसको अपन क्या बोलते हैं? आर्कनोइड विलाई बोलते हैं। दैट प्रोजेक्ट इन टू द वीनस साइनस। द मूवमेंट ऑफ द CSF फ्रॉम द सुप्रा आर्कनोइड स्पेस टू वीनस साइनस डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल ऑफ द आर्कनोइड विलाई। जो मूवमेंट है किसका? CSF का, ठीक है। कहाँ से? फ्रॉम द सब आर्कनोइड स्पेस टू वीनस साइनस, सब आर्कनोइड स्पेस से लेके और वीनस साइनस तक का जो मूवमेंट है वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन प्रेशर, ठीक है। जो प्रेशर का डिफरेंस है उस पे क्या है? डिपेंड करता है ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल, प्रत्येक साइड के जो वॉल है ऑफ द आर्कनोइड विलाई विच एक्ट एज वन वे विलाइज। व्हेन CSF प्रेशर इज हायर देन वीनस प्रेशर CSF पास इन टू द ब्लड एंड वेन द वीनस प्रेशर इज हायर आर्कनोइड विलाई कोलेप्स। जिस टाइम पे CSF प्रेशर हायर होता है उस टाइम पे क्या है? वीनस प्रेशर जो है उसमें CSF पास हो जाता है इन टू द ब्लड, ब्लड से। एंड वेन द वीनस प्रेशर इज हाई, और जिस टाइम पे वीनस प्रेशर जो है हाई होता है द आर्कनोइड विलाई कोलेप्स, उस टाइम पे क्या है? जो अपनी आर्कनोइड विलाई है वो क्या है? कोलेप्स हो जाती है, खत्म हो जाती है। प्रिवेंटिंग द पासेज ऑफ द ब्लड कॉन्स्टिट्यूशन इन टू द CSF, और क्या करती है? प्रिवेंट करती है किसको? पास होने में ब्लड कॉन्स्टिट्यूट इन टू द CSF। देर में ऑल्सो बी सम रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CSF बाई सेल्स इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। मूवमेंट जो है द मूवमेंट ऑफ द CSF फॉर्म द
सब ऑर्डिनरी स्पेस टू वीनस साइनस डिपेंड अपॉन द डिफरेंस इन प्रेशर ऑन ईच साइड ऑफ द वॉल ऑफ द ऑर्डिनरी बिलाई। जो मोमेंट है ये सब का सुपरा ऑर्डिनरी स्पेस से लेके वो वीनस साइनस पे वो डिपेंड किस पे करता है, डिफरेंस इन ईच साइड ऑफ द वॉल ऑफ ऑर्डिनरी बिलाई, जो ऑर्डिनरी बिलाई के जो प्रेशर का जो डिफरेंस है उस पर डिपेंड करता है। विच एक्ट एज वन वे वाल्व, यहाँ पे क्या है वन वे वाल्व होते हैं, एक साइड से चला गया मटेरियल वो रिटर्न बैक फ्लो में नहीं जाता। व्हेन सीएसओ प्रेशर इज हाई देन वीनस प्रेशर इज पास इनटू द ब्लड, जिस टाइम पे क्या है सीएसएफ का प्रेशर हाई होता है उस टाइम पे क्या है वीनस प्रेशर से सीएसएफ पास हो जाता है कहाँ पे ब्लड में। एंड द वीनस प्रेशर इज हाई, जिस टाइम पे वीनस प्रेशर हाई होता है उस टाइम पे क्या होगा जो अपने आर्टनोइड विलाई है वो क्या क्या हो जाती हैं कोलेप्स हो जाती हैं डैमेज हो जाती हैं, जो क्या करती हैं प्रिवेंटिंग द पासेज ऑफ ब्लड कॉन्स्टिट्यूट इन द सीएसएफ। देयर मे बी आल्सो बी सम रीअब्सॉर्प्शन इन ऑफ सीएसएफ बाय सेल इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स, देयर मे ऑल्सो बी सम रीअब्सॉर्प्शन, यहाँ पे क्या है रीअब्सॉर्प्शन होता है किसका सीएसएफ बाय सेल इन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स। From the roof of the fourth ventricle, CSF flow through the foramina into the subarachnoid space and completely surrounded the brain and spinal cord. From the roof of the fourth ventricle, जो roof है किसकी fourth ventricle की, वहां से क्या है CSF flow through the foramina into the subarachnoid space and completely surrounded the brain and spinal cord. There is no intrinsic system of CSF circulation. कोई CSF circulation के लिए कोई intrinsic system नहीं होता, but its movement is L by A plus in blood vessels, respiration and changes of posture. CSF is continuously secreted. जो CSF है वो क्या continuously secrete होता है, ठीक है, जिसकी कितनी होती है amount 0.5 ml पर मिनट होती है और 720 ml पर डे होती है। द अमाउंट अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिमेन फेयरली कॉन्स्टेंट एट अबाउट 120 ml, विच मीन्स दैट अब्जॉर्प्शन कीप पैलेस विद सिक्रेशन। The CSF pressure may be measured using a vertical tube attached to a lumbar puncture needle. तो CSF का pressure है वो किससे मेजर होता है, vertical tube से होता है, जो जिसको अपन किस पे अटैच करते हैं lumbar puncture needle पे अटैच करते हैं। It remains fairly constant as about 10 cm H2O when the individual is lying on his side and about 30 cm H2O when sitting up. If the brain is enlarged by a hemorrhage or tumor, made by a reduction of the about of the
CSF. When the volume of the brain tissue is reduced, such as in degeneration or atrophy, the volume in CSF is increased. जो CSF है वो क्या है, क्लियरली होता है, स्लाइटली होता है, एल्कलाइन फ्लूड होता है. इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.005. नेक्स्ट जो है बनता किस किस चीज से है, वाटर होता है इसके अंदर, मिनरल साल्ट होते हैं, ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होती है. ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, रेटिनिन होता है, यूरिया होती है, और क्या है, ल्यूकोसाइट होता है. तो CSF के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल साल्ट होते हैं, ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या है, एल्बुमिन और ग्लोबुलिन होता है, रेटिनिन होता है, और यूरिया होता है, और ल्यूकोसाइट्स होती हैं. नेक्स्ट जो डायग्राम है इसके अंदर क्या दिखाया गया है, एरो दिखाए गए हैं. ठीक है, उन एरो से क्या है, फ्लो होता है किसमें, जो अपना CSF. तो ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल हो गए अपने, लेफ्ट और राइट वाले हो गए. यहाँ से कहाँ पे आया, थर्ड वेंट्रिकल पे आ रहा है, थर्ड वेंट्रिकल से क्या आ रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल पे आ रहा है. ये क्या है अपना फ्लो है CSF. नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन किस चीज पे डिस्कस करेंगे, फंक्शन पे, CSF के फंक्शन क्या क्या है. थैंक्स टू ऑल.